सैफी। तो आप कहाँ से, यानी यहाँ पर काम करने के लिए कहाँ से आए? रायबरेली जिला से रायबरेली से आए जो रहना अपना यही है, बिस्ती में। बिस्ती में, और जो है ये बिस्ती क्या होती है? ये यहाँ हम लोग रहते हैं साहब, यहाँ का सबका रहने का खाने का व्यवस्था सब रहता था, आज इतने समय बंद हुआ है, हम लोग को बहुत परेशानी है। कुछ खाने का जो मिल जाता है हम लोग वही खा लेते हैं शुक्र मना के, घर भी नहीं जा पा रहे, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। अब माँ बाप सब छोड़ के यहाँ ही हम लोग पड़े हुए हैं, अब 15 से 20 लोग रहते हैं यहाँ, बहुत परेशानी हो रही है। अब कारोबार भी नहीं न चल रहा कि हम लोग को खाना पानी, सोचते हैं कि अब क्या करें हम लोग। तो अभी तो यहाँ मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया साहब, जब से हम लोग पड़े हैं कोई भी यहाँ दिखा भी नहीं, एक भी आदमी नहीं दिखा। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। लॉकडाउन के बाद से गरीबों, मजदूरों की, रोज खाने कमाने वालों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। वजह यह है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है और लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो रही है। ये वीडियो शहर मालेगांव के बिस्मिल्लाबाग सर्वे नंबर 117 की है। यहाँ के लोगों ने एड्रेस के लिए बताया है नजमा बेगम की गली। हमने यहाँ पर दो लोगों से बातचीत की, एक उन मजदूरों से जो यूपी बिहार से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक बुजुर्ग है और कुछ 2 से 3 खातीन है। मजदूरों ने बताया कि हम बहुत परेशान हैं, अभी तक यहाँ कोई हमारी मदद करने वाला नहीं आया, हमारे पास जो कुछ पैसे थे वो खत्म हो रहे हैं, हमें जो मिल जाता है खा लेते हैं, शुक्र अदा करते हैं, बड़ी परेशानी में जिंदगी गुजर रही है। तो दूसरी जानिब बुजुर्ग और खातिन ने बताया कि वो लोगों की मदद के जरिए अपना गुजारा करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं, गदागिरी करते हैं। वजह यह है कि घर में कमाने वाला कोई नहीं, यही उनकी मजबूरी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो भी कहीं आ जा नहीं सकते, उनके पास भी जो कुछ जमा था वो खत्म हो रहा है। इन लोगों ने गुजारिश की है कि लोग उनकी मदद करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप साहिब हैसियत है, अगर आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं तो शहर मालेगांव बिस्मिल्लाबाग सर्वे नंबर 117 नजमा बेगम की गली में जाकर जरूर इन गरीबों और इन मजदूरों की मदद कीजिए। एक बात की जानिब और आपकी तवज्जो दिलाते चलूं कि लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि लोग अपना मोहल्ला छोड़कर किसी और मोहल्ले में जाकर मदद कर रहे हैं। अगर हर साहिब हैसियत अपने अपने मोहल्ले में जो मुस्तहकीन है, जो गरीब मजदूर है, उनकी मदद करे, तो इस तरह से हर मोहल्ले में गरीबों की मदद हो जाएगी। यही पैगाम हम भारत के जरिए देना चाहते हैं कि आप ऐसे सुलगते हालात में, ऐसे तकालीफ के हालत में गरीबों का, मजदूरों का, खास तौर से अपने गली मोहल्लों का, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें।